ऐसे हो आप सब लोग, तो मार्केट के अंदर में गैप डाउन ओपनिंग मिल सकता है। ऐसे में 43,620 43,440 के आसपास आसपास मार्केट ने सब के अंदर देखिए कोई भी सेलिंग आता है उसको बाइंग में कन्वर्ट कर देता है, तो मार्केट हमें बहुत ही ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं क्या नज़र, जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है बायर सेलर यहाँ पे बैठ चुके होंगे। अपर साइड यहाँ पे ऐसे एसएल नहीं है जिसको हम देखते हो मार्केट के अंदर पोजिशन बना पाए। अभी मार्केट हमें गैप डाउन नज़र करने की कोशिश करें, लेकिन थोड़ा सा ईजी ट्रेड नज़र आ रहा है कि मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपन हुआ, हमने सेलिंग किया और मार्केट के अंदर पैसा बन गया। लेकिन मार्केट के अंदर बायर के एसएल अवेलेबल होते हैं तो मार्केट ऐसा कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे उनके एसएल हिट होंगे, ना कि चल सकता है अपना। लेकिन फिर भी अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर रहा है या आपको बाई कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी मार्केट है तो ऐसा रहेगा। अगर आप बात करोगे क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी करना ज़्यादा ठीक रहेगा नहीं, इसे हम आराम से मार्केट के अंदर इनको टारगेट कर सकते थे सेलिंग कर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मार्केट में मैं फ्लैट ओपनिंग मिल रहा है, थोड़ा अगर गैप डाउन ओपन होता ये जो बाइंग करके गए इनके ऊपर थोड़ा क्या आ जाता, प्रेशर आ जाता, तो इसे हम आराम से मार्केट के अंदर इनको टारगेट कर सकते थे सेलिंग करने के लिए। अब थोड़ा मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ है, मार्केट थोड़ा बहुत हमें स्ट्रेंथ भी दिखा सकता है, तो अगर हमें सेलिंग करना होगा तो थोड़ा मे भी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा अगर मार्केट डायरेक्टली अपसाइड भागना शुरू करे। अगर सेलिंग में चलता है तो हमें रिट्रेसमेंट वगैरह देखना ही करना ज़्यादा, लेकिन मार्केट को देख के करेंगे, ऐसा नहीं कि पोजीशन बनाने का बड़ा ही लालच आ रहा है मार्केट के अंदर कि एक पोजीशन यहाँ पे बना ले, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। अपर साइड यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो चुका है, निफ्टी कंटिन्यू सेलिंग में जा रहा है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव जा रहा है, तो पता नहीं कितना ऊपर जाएगा। तो पहले थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, प्लान तो अभी भी यहाँ पे सेलिंग का है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी सेलर बैठे होंगे वो मार्केट के अंदर निकल गए होंगे। दूसरा थोड़ा सा जो हमारा प्रॉब्लम है निफ्टी के अंदर है, निफ्टी ऑलरेडी सेलिंग में, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर सकता है, थोड़ा वो नीचे आएगा दोबारा से ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा कुछ मार्केट के अंदर हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी इस प्रकार की भी बनी हुई है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना हमारे लिए ठीक रहेगा यहाँ पे, अदरवाइज ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा, मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहा है। मार्केट में सेलिंग करने में ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर एक ग्रीन कैंडल भी बनाएगा तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए हो जाएगी, थोड़ा सा इंतज़ार कर ही लेते हैं यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, वेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पोजीशन बनाने वाले हैं मार्केट के अंदर। थोड़ा चार्ट तो ये ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसा चार्ट होता ना साथ के साथ में ग्रीन कैंडल रेड कैंडल तो वो मार्केट कंटिन्यू भी जा सकता है। थोड़ा सा एक पोजीशन हम बना लेते हैं ताकि मार्केट में अगर कोई मोमेंटम आए तो मिस ना करें। 600 क्वांटिटी यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं, उसके बाद अपना यहाँ पे सेकंड पोजीशन बनाएंगे, 600 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं, उसके बाद अपना निफ्टी का पोजीशन बन जाना चाहिए, 600 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। तो अभी मार्केट में अपना 2000 के अराउंड लॉस नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर हमने यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाए। देखिए मार्केट में मान लेते हैं कि यहाँ पे बायर भी बैठे होंगे और मान लेते हैं काफ़ी लोगों ने यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे एसएल अपना रख लिया होगा, अगर होता है तो उनका एसएल फल ऐसा ही कि बिठाया गया लिंक दोबारा से निकल गया, तो ऐसा कुछ है साथ के साथ में रेड कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है साथ के साथ में रेड कैंडल बन रहा है, तो ऐसा जो चार्ट होता है वो मार्केट को कंटिन्यू ले जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लियर है काफ़ी दिनों से मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू भागेगा, तो वहाँ पे क्या आने वाले हैं, बायर आने वाले हैं, तो यहाँ पे कुछ डाउनसाइड का मोमेंटम करके फिर से ऊपर चलना शुरू करे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, फिर मार्केट को एसएल मिल जाएंगे, जैसे हमारे एसएल मिलेगा वैसे मार्केट को दूसरे लोगों की अपनी पोजीशन काटना शुरू करें, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है जस्ट एक मोमेंटम आया, मोमेंटम आने के बाद यहाँ पे सेलर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके लालच रहता है ना मार्केट के अंदर, जैसे ही कैंडल देखा सेलिंग किया, तो हमने यहाँ कहीं मार्केट के अंदर ट्रेड बनाया। अब अगर ये जो सेलिंग करके गए उनको मार्केट थोड़ा बहुत डराने की कोशिश करेगा तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम आ गया तो फिर मार्केट में हमें लॉस लेके निकलना पड़ेगा। तो कितना लॉस कितना प्रॉफिट हम यहाँ पे रखने वाले हैं, देखिए जिस प्रकार के प्रीमियम हमारे पास है अराउंड अराउंड हम यहाँ पे रखेंगे 70 से 80 हज़ार रुपये का हम रिस्क रखने वाले हैं, 70 से 80 हज़ार रुपये का प्रॉफिट रखने वाले हैं। और देखिए निफ्टी तो बिल्कुल कल की तरह चल रहा है, तो नॉर्मली ऐसा काम करता नहीं मार्केट कि गैप डाउन ओपन हुआ ऐसे ही रिटर्न हो गया, निफ्टी भी ऐसे ही रिटर्न हो चुका है, तो क्या कर सकते हैं मार्केट कुछ भी कर सकता है। अगर आप ये प्लान बनाओगे मार्केट को ऐसा करना ही नहीं चाहिए, आज कंप्लीट क्वांटिटी लगा देता हूं, तो ऐसा कभी भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि मार्केट में अगर आप ये सोच रहे हो कि ये काम कभी नहीं होगा, दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, तो मार्केट कर देता है। तो मार्केट का अपना रूल होते हैं, तो मार्केट के आपको अपोजिट ट्रेड नहीं करना होता, लेकिन जितना हम ठीक समझकर मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं हमने ट्रेड किया। अब मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है कि अपना पैसा बनाएगा या पैसा जाएगा। तो अभी तो कुछ ज़्यादा कन्फर्म नहीं है, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड मैं बोल सकता हूँ आपको। अगर मुझे थोड़ा सा अगर टाइम होता तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और भी लेट पोजिशन बनाता मार्केट में। यहाँ पे ठीक प्राइस एक्शन नहीं है। अगर आप ये बोलो कि कोई सेफ ट्रेडर होगा यहाँ पे अगर सेलिंग करना चाहेगा, तो ज़्यादा अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे नहीं है मार्केट। यहाँ पे मैं ट्रैपिंग में भी डाल सकता है, क्योंकि ऐसे चार्ट से मैं बचना चाहता हूँ नॉर्मली। लेकिन मार्केट ऑलरेडी दो तीन दिन से अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है, तो सेलर को डर लगना चाहिए। जैसे ही कुछ ग्रीन कैंडल बनेगा वो डर के भागेगा, तो डर के ही भागेगा, तो ज़्यादा टाइम वो स्पेंड नहीं करेगा मार्केट में सेलर। तो छोटे छोटे एसएल के साथ वो काम करेगा, तो छोटे छोटे एसएल मार्केट क्रिएट करके, जैसे छोटा सा रेड कैंडल बनाया उसके साथ ग्रीन कैंडल बनाया तो वो डर गया, अचानक से भागा, दोबारा से रेड कैंडल आया, दोबारा से उसने सेलिंग साइड का पोजीशन बनाया, दोबारा से भागा। तो ऐसे मार्केट करता रहता है, तो वो काम मार्केट कर सकता है अभी भी। तो थोड़ा सा देखते हैं कन्फर्म कहाँ पर होगा जब मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आएगा। अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा कन्फर्म नहीं है, अभी तो थोड़ा बहुत बाइंग का मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्टेड आप कर सकते हो। अगर आपने कोई पोजीशन नहीं बना रखा है तो आप आराम से यहाँ पे वेट भी कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी रिस्की पोजीशन है। या तो आप यहाँ पे 10 से 11 बजे के बाद आओ मार्केट के अंदर, वहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाए मे बी। अभी तो देखिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। अब देखिए निफ्टी भी कल की तरह मार्केट भाग रहा है, तो कल की तरह अगर कोई बाय करेगा तो मे बी उसका पैसा बन जाए। लेकिन जो एक दो दिन बनते हैं या 3 से 4 दिन बनते हैं, उनके लिए ट्रेड नहीं किया जा सकता। मार्केट में जो हम रेगुलरली काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, क्योंकि अगर बिल्कुल मार्केट अगर चेंज होना शुरू हो जाएगा, मान लेते हैं कि मार्केट ऐसा काम करना शुरू कर दे, चार्ट को रिपीट करना शुरू कर दे, तो फिर हम आने वाले समय में धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर देंगे। तो अभी हम वेट करते हैं मार्केट के अंदर, 2000-4000 के अराउंड अपना लॉस नज़र आ रहा है, चलिए वेट करेंगे। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन में 55000 के अराउंड प्रॉफिट नज़र आ रहा है। मार्केट के अंदर सेलिंग तो बहुत अच्छा आया है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा ही निकल चुका है, और बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत अपने आप को यहाँ पे होल्ड वगैरह कर सकता है, साइडवेज हो सकता है। तो मार्केट में लग तो रहा है कि अपना प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे कैंडल बनाकर दोबारा से ग्रीन कैंडल ना बनाना शुरू कर दे मार्केट, तो इस प्रकार की मार्केट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी तो देखिए अभी हमें खतरा टल चुका है, अब हमें यहाँ पे टारगेट भी अचीव हो चुका है, अब हमें यहाँ पे ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आराम से बैठ कर मार्केट को देख सकते हैं, चलिए वेट करते हैं यहाँ पे, अभी तो हमें ज़्यादा चिंता होगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट थोड़ा बहुत रिकवरी वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, अपना प्रॉफिट तो अच्छा मार्केट के अंदर डर लगना चाहिए। जैसे ही कुछ ग्रीन कैंडल बनेगा वो डर के भागेगा, तो डर के भागेगा तो ज़्यादा टाइम वो स्पेंड नहीं करेगा मार्केट में सेलर। तो छोटे छोटे ऐसा रेड कैंडल बनाया उसके साथ ग्रीन कैंडल बनाया तो वो डर गया, मार्केट करता रहता है, तो वो काम मार्केट कर सकता है अभी भी। यहाँ पे कुछ ज़्यादा कन्फर्म नहीं है, अभी तो थोड़ा बहुत बाइंग का मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्टेड आप कर सकते हो। अगर आपने कोई पोजीशन नहीं बना रखा है तो आप आराम से यहाँ पे वेट भी कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी रिस्की पोजीशन है। या तो आप यहाँ पे 10 से 11 बजे के बाद आओ मार्केट के अंदर, वहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाए मे बी। अभी तो देखिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। अब देखिए निफ्टी भी कल की तरह मार्केट भाग रहा है, तो कल की तरह अगर कोई बाय करेगा तो मे बी उसका पैसा बन जाए। लेकिन जो एक दो दिन बनते हैं या 3 से 4 दिन बनते हैं, उनके लिए ट्रेड नहीं किया जा सकता मार्केट में। जो हम रेगुलरली काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, क्योंकि अगर बिल्कुल मार्केट अगर चेंज होना शुरू हो जाएगा, मान लेते हैं कि मार्केट ऐसा काम करना शुरू कर दे, चार्ट को रिपीट करना शुरू कर दे, तो फिर हम आने वाले समय में धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर दें। तो अभी हम वेट करते हैं मार्केट के अंदर, 2000-4000 के अराउंड अपना लॉस नज़र आ रहा है, चलिए वेट करेंगे। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन में 55000 के अराउंड प्रॉफिट नज़र आ रहा है। मार्केट के अंदर सेलिंग तो बहुत अच्छा आया है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा ही निकल चुका है, और बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत अपने आप को यहाँ पे होल्ड वगैरह कर सकता है, साइडवेज हो सकता है। तो मार्केट में लग तो रहा है कि अपना प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे कैंडल बनाकर दोबारा से ग्रीन कैंडल ना बनाना शुरू कर दे मार्केट, तो इस प्रकार की मार्केट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी तो देखिए अभी हमें खतरा टल चुका है, अब हमें यहाँ पे टारगेट भी अचीव हो चुका है, अब हम यहाँ पे ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आराम से बैठकर मार्केट को देख सकते हैं, चलिए वेट करते हैं यहाँ पे, अभी तो हमें ज़्यादा चिंता होगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट थोड़ा बहुत रिकवरी वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, अपना प्रॉफिट तो अच्छा मार्केट के अंदर चल रहा है। तो जिस प्रकार का मोमेंटम आया हुआ है, थोड़ा बहुत मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है, अपना यहाँ पे प्रॉफिट कम हो सकता है। लेकिन जब प्रॉफिट कम करेगा तब हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट में कितना हमें प्रॉफिट ले जाना है, या मार्केट के अंदर थोड़ा सा रिस्क लेंगे, वो कैंडल के ऊपर डिपेंड रहेगा। क्योंकि अभी देखिए मार्केट थोड़ा सा डायरेक्टली गिरावट किया है,
तो जाएगा तो सही है, मार्केट ऊपर यहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे खतरा बढ़ जाता है जब इस प्रकार का मोमेंटम मार्केट के अंदर आता है। तो अगर छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करेगा तो मार्केट कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे अभी इंतज़ार करते हैं, अभी तो बायर यहाँ पे ट्रैप होना शुरू होंगे। अभी वैसे तो यहाँ पे जो बायर है वो अपना कुछ प्रॉफिट कवर अप करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ट्रैप तो क्या होंगे वो, लेकिन कवर अप कर लेंगे। तो चलिए अभी तो मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट को क्रॉस कर चुका है, जब मार्केट प्रॉफिट कम करेगा तब हम यहाँ पे कुछ प्लान, 1 लाख तो 1 लाख के आसपास निकलेगा, 1 लाख तो नहीं निकलेगा मार्केट में, क्योंकि 1 लाख तो कम ऐसे ही हो जाएगा, छोटा मोटा ग्रीन कैंडल आएगा उससे कम हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा एक टारगेट और मिल जाए ना, एक अच्छा वाला, तो मार्केट में कैंडल है, मार्केट कंटिन्यू, यहाँ पे हम अपनी अपना प्रॉफिट तो 1,50,000 से भी ऊपर चला गया था, लेकिन थोड़ा नज़र आ रहा था कि मार्केट के अंदर कंटिन्यू मोमेंटम होगा कि नहीं है, और लाल मार्केट के अंदर उनको मार्केट ने कम 75 लग रहा था कि मार्केट, उन्हें को ये लगा कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, कुछ क्वांटिटी भी उनको ऐड किया था। और जब मार्केट के अंदर अचानक जो भी यहाँ पे बाइंग किया था उनका ऐसे लेट होना शुरू हुआ, क्या हो चुका करें थोड़ा सा वेट करना होगा, कैंडल ऐसे ही जाएगा फिर वो दोबारा सेलिंग टैक्स। C9 की काफ़ी कम हुई है मार्केट में, ठीक है। तो मतलब 1 लाख के अराउंड थी पुट्स, वो अब सिर्फ 14,000 के आसपास रह गई हैं। तो थोड़ा बहुत ये बियरिश वो बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। ऑल दो अभी भी नेट बेसिस में ये पुट्स में ही है हालांकि, लेकिन बिल्कुल नेग्लिजिबल के आसपास हैं। अगर आप फ्यूचर्स का डेटा देखेंगे थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है FIIs का डेटा। प्लस अगर आप प्रो ज़्यादा क्लोज हुई हैं तो इसलिए 18,000 के आसपास तक किया है, पॉइंट्स मिल गए मार्केट में। ठीक है, आप पहली कैंडल का वेट कर लेना कि वो कैंडल की फॉर्मेशन करे, तभी हम एक शॉर्टिंग का ट्रेड लेंगे मार्केट के अंदर। टारगेट 66 के लेवल के भी ऊपर खुलता है एक बारी और इसके नीचे आ नमस्कार दोस्तों, आज अपडेटिंग की एक और रेंज के बाद क्या करेगा तो मार्केट जा सकता है 375 के आसपास, क्योंकि पिछला हाई जो इसने ये ग्रीन कैंडल बनाने के पास तीन ही मार्केट होगी कोट ले रहा कोट ले रहा। तो जैसे ही इस लेवल को निकालेगा, एक मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे 70 से ಯಾರ ಹಂಗಿಗೂ ಒಳಗಾಗದೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ತಾವು ಜಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಂಚಿ ಸರ್ವಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರರು ಈ ಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಗಣ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಬನಿ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು, ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅನಿಸಿದೆ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಅತೀವ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ರು, ಅವರ ಜ್ಞಾನೋತ್ಸಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗಾದರೂ ಅವ್ರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಳೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಛಾಯೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಾವನ್ನು ಅರಿತವರು, ಸಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವರು, ಸಾವನ್ನು ಜಯಿಸಿದವರು, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿವೇಕಾನಂದರೆಂದು, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಈ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತ ಪೂಜ್ಯ Thank you.
96.98.
Have still work from home. ಇಲ್ಲ ಗುರುವಾರ ಬರ್ತಾರಂತ ಅವ್ರ ಹೋಗಿನ ಅದ ಗುರುವಾರ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಬುಧವಾರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಗುರುವಾರ ಬರ್ತಾರ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಚಲೋ ಐತಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗ್ ತೋರಿಸೋದು ಅಥವಾ ಇದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಊಟ ಆಗೈತಿ
ಪ್ಲೀಸ್. Thank you.